हैप्पी दिवाली दादी माँ। जीते रहो बेटा, हैप्पी दिवाली टू यू। हैप्पी दिवाली दादी माँ। थैंक यू। परेशान मत होइए दादी माँ, आपको जिनका इंतजार है वो जरूर आएंगे। हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं बेटा कि वो आ जाए। पिंकी ने पूरा घर ढूंढ लिया है, गीत कहीं भी नहीं। मान बेटे, हमें लगता है पार्टी खत्म करनी चाहिए, वो अब नहीं आएगी। वो देखिए दादी माँ, वो आ गए। जिनका इंतजार कर रहे हैं वो तो अभी तक आए नहीं। बीती बातों को भूल जाओ मान, भूल जाओ। दादी माँ, हैप्पी दिवाली। जीते रहो बेटा। आपको भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम तो सोच रहे थे शायद आप पार्टी पे ना आए। मैं क्यों नहीं आऊंगा दादी माँ, आप हर साल ये पार्टी रखती हैं और मेरे ना आने का सवाल ही नहीं पैदा होता। मान बेटा, आप कुछ खोए खोए से लग रहे हैं। कहीं आप अगर आप ये सोच रही हैं कि मैं गीत के बारे में सोच रहा हूं तो आप गलत हैं, क्योंकि अब वो मेरे लिए इतनी अहमियत नहीं रखती कि मेरी जिंदगी उसके लिए रुक जाए। सच तो ये है कि मेरी जिंदगी में उसके कोई मायने नहीं। क्यों रही है गीत, तू जबरदस्ती थोड़ी ना आई है, तुझे दादी माँ ने खुद यहाँ बुलाया है। दोबारा फोन करके तुझे खास बुलाया। हकीकत है या ख्वाब जो चला आ रहा है? ऐसा लग रहा है कि आसमान से परी उतरकर जमीन पर चल रही है। तुम यहां क्यों आई हो? मैं यहां कोई तमाशा नहीं चाहता गीत। जाओ यहां से। मान, हमने गीत को बुलाया है। चलिए गीत।
हम मान को लेकर बहुत परेशान हैं। हमने मान को पहले से कभी देखा ही नहीं। एक बार पहले भी उसे किसी ने चोट खैर हमें बहुत डर लग रहा है गीत, कहीं मान ऐसे अंधेरे में ना चले जाए। जान सुने वापस लाना नामुमकिन हो जाएगा। प्लीज बेटा आप हमारी मदद करेंगे? दादी मैं गीत प्लीज बेटा इसे गुजारिश समझिए, हमने पहले भी बहुत बड़ी गलती की, हमने आपका नहीं देव का साथ दिया था। हालांकि हम जानते थे कि देव को निगार है, लेकिन हम क्या करते, हम क्या करते बेटा, ममता के हाथों हम मजबूर थे। और आज फिर उसी ममता के लिए हम आपसे कुछ मांग रहे हैं। एक बार मान से बात कर लीजिए। दादी माँ आप खुद को दोषी मत समझिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। प्लीज बेटा हमारे लिए एक बार